नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बिना हाथ के व एक पैर से दिव्यांग रहने के बावजूद दिव्यांग बच्ची पैर से लिखकर एलकेजी से पढ़ाई की शुरुआत के बाद पढ़ते पढ़ते पांचवी क्लास तक पहुंच गई और आगे पढ़ने की दिव्यांग बच्ची की ख्वाहिश है, लेकिन घर की माली हालत को देखकर आगे की पढ़ाई पढ़ने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यह कहानी सतगावा थाना क्षेत्र के मीरगंज पंचायत के कानी केंद्र गांव की रहने वाली जांबाज चांदनी कुमारी है। जब इस जांबाज बच्ची की कहानी के बारे में पता चला तो उनके घर जाकर पड़ताल की गई तो पता चला कि साल 2011 में जन्म लेने वाली चांदनी फिलहाल गांव के ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय कानी केंद्र में पांचवी क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रही है। चांदनी के पिता पेशे से किसान हैं और माँ गृहिणी है और दादाजी रेलवे में कार्यरत थे। फिलहाल 2014 में सेवानिवृत्त भी हो गए। चांदनी अपने तीन भाई बहन में सबसे बड़ी है। चांदनी के दोनों हाथ नहीं हैं, साथ ही साथ एक पैर से भी दिव्यांग है, फिर भी चांदनी दूसरों के लिए बन रही है मिसाल। पढ़ाई के बलबूते पाना चाहती है ऊंचा मुकाम। चांदनी पैर से लिखती है और लिखावट भी काफी अच्छा है। उन्होंने पैर से ही अपना नाम, पिताजी का नाम और पता लिखा। वहीं उसके पिता विजय प्रसाद यादव ने बताया कि हाथ नहीं रहने के कारण हम निराश हो चुके थे कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया। मेरी बेटी का दोनों हाथ नहीं रहने के कारण मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी चांदनी आगे की जिंदगी कैसे जिएगी। वहीं चांदनी ने बताया कि पिता के मोटिवेट करने के बाद चांदनी नए जोश के साथ और एलकेजी से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आज वह अपने मुकाम की ओर पहुंचते जा रही है, लेकिन अभी भी उसे कई तरह की परेशानी हो रही है। बिना हाथ व एक पैर से दिव्यांग रहने वाले लोगों के लिए मिसाल बन रही है जाबाज चांदनी। उनसे इस तरह के जीवन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब देते हुए कहा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मैं ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वहीं उनके पिता विजय प्रसाद यादव भी ने बताया कि चांदनी जहाँ तक पढ़ना चाहेगी हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं स्थानीय मुखिया मंटू चौधरी ने बताया कि दो माह पूर्व चांदनी का दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति मिली है। चांदनी ने बताया कि पिताजी के द्वारा उन्हें काफ़ी प्रेरित किया जाता है। पापा के हौसले भरे बातों को सुनकर चांदनी ने भी कुछ करने के लिए बिना हाथ पैर व एक पैर दिव्यांग रहने के बाद भी वह आगे बढ़ने की सोच रखने लगी। वह अपनी पढ़ाई पर काफ़ी जोर देने लगी। चांदनी कहती है कि अगर मदद सरकार की ओर से मिले तो वह अपने बलबूते खड़े होकर अपना जीवन गुजर बसर कर सकती है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम चांदनी कुमार। कौन क्लास में पढ़ती है? हाई क्लास। पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है? शिक्षक बनना चाहती है। हाँ। पापा का क्या नाम हुआ? पिता का नाम विजय प्रसाद यादव। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? हाँ? घर तुम्हारा कहाँ पड़ता है? कानी केंद्र। कानी केंद्र। कौन सा स्कूल में पढ़ती है? हाँ? कौन सा स्कूल में पढ़ती है? मदारे। चलो धन्यवाद। तुम्हारे शिक्षक का क्या नाम है? शिक्षक का क्या नाम है? दीपक सर, हनी सर, सुरेंद्र सर, महेंद्र सर, संजीव सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रसाद यादव। ये बताइए कि आपका आपकी बच्ची का क्या नाम? चांदनी कुमारी। अच्छा अच्छा, वो बच्ची जो है से मतलब क्या बच्चे से ही उस तरह जन्मे से उसी? अच्छा, और उसका मतलब हाथ एक हाथ दोनों नहीं है बच्चे से? दोनों हाथ नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, एक पैर भी डैमेज है। एक पैर भी डैमेज है। हाँ। उसके बाद भी मतलब इतना पढ़ने में तेज है, लिख लेती है? हाँ, लिख लेती है अपने से, स्कूल आती है अपने से। लेकिन मम्मी मतलब उसको मतलब ये प्रैक्टिस मतलब आप लोग दिलवाए हैं अपने? नहीं, अपने दिलवाए हैं। लिखा, मेहनत कर रहा हूँ अपना भी। मेहनत अपने से कर रही है? हाँ। अभी तो हम लिखवाए हैं तो देखें बढ़िया से। मतलब उसका क्या मतलब आगे का क्या सोच है? मतलब आगे सोच है कि जहाँ तक पढ़ा करके इसको कुछ बना में। अच्छा अच्छा, पढ़ लिख करके आगे मतलब? हाँ, कुछ बनना चाहती है। हाँ, इसका मेहनत पूरा लगे हुए हैं। दो दो ट्यूशन कर रहे हैं। दो गो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ये चांदनी जो है कौन क्लास में पढ़ती है? फाइव क्लास। फाइव क्लास में। पढ़ने में मतलब कैसी बच्ची है ये? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है आगे चल करके, मतलब क्या कुछ ब्राइटनेस लग रहा है सर? अगर विभाग का सपोर्ट और सोशल का सपोर्ट रहा तो ये बच्ची फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। अच्छा, मतलब पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकती है? पढ़ लिख के आगे इसका फ्यूचर ब्राइटनेस हम लोग को नज़र आ रहा है। हम लोग जितने शिक्षक हैं इसको प्रयास करते हैं कि जितना से जितना अधिक हो सके इसको हम लोग शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। शानी कुमारी हाई क्लास में पढ़ती है और पढ़ने में बहुत लगनशील है, परिवार को समझती है, शिक्षा को समझती है और शिक्षक को भी समझती है। इसकी लिखावट दिव्यांग होने के बावजूद पैर की लिखावट बहुत सुंदर लिखती हैं, जिससे हम लोग को मन मोहित हो जाता है। अच्छा। और भविष्य में इनसे बराबर पूछते रहते हैं सभी शिक्षक, तो यही बोलती है कि हम आगे चलकर कोई अफसर बनेंगे। अफसर बनना का इसका मतलब सोच आगे का है ना? जी। अच्छा, चलिए, तो हम तो आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि इसको जो है आगे पढ़ने का जो प्रक्रिया है आप लोग यदि सरकार के माध्यम से मदद करवाते हैं, जिनका परिवार भी इस बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनको बहुत खुश रख कर पढ़ा रहे हैं, मैंने दिव्यांग होने के बावजूद ये अपने को महसूस नहीं करती है कि हम दिव्यांग हैं, ऐसा इसलिए कि परिवार और शिक्षक का इसको मोहब्बत मिलता है। चांदी नाम की तो लड़की है, उससे परिचित हमको इलेक्शन के समय ही हुआ था और हमसे मुलाकात भी अच्छी से हुआ, बच्चे से मिले भी, उसी समय हम कुछ प्रोत्साहन भी दिए थे उसको, आर्थिक मदद भी किए थे और घर में जाकर उसकी मम्मी पापा को भी समझाया कि स्कूल भेजिए, पहले जाते नहीं थे। जब हम जीत जाने के बाद भी समझाया उसके मम्मी पापा को, तो अब देखते हैं कि स्कूल रेगुलर जाती है और बैठने का खास व्यवस्था वहाँ कर दिए गए। व्यवस्था वही बैठने का है, बच्चा को सबका बेंच रहता है, उनका अलग है क्योंकि पैर से लिखती है। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।